इस फिल्म की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। ये कहानी है आशीष और उसकी बहन स्मिता की, जो एक सेकंड हैंड कार खरीद लाए, पर उस कार के साथ वो एक मुसीबत भी अपने घर ले आए। आशीष, वो अंकल कौन थे? अंकल? अरे वही जो तुम्हारे साथ गाड़ी से उतरे। मेरे साथ कार से उतरे? हर मिडिल क्लास वाले की तरह आशीष और उसकी बहन का सपना था कि उनकी भी एक खुद की कार हो। आशीष कई दिनों से अपने बजट में एक अच्छी सेकेंड हैंड कार की तलाश में था। आज उसे ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छी कार सस्ती कीमत पर दिखी, तो उसने बिना समय गवाए उस कार के मालिक से मिलने का फैसला किया। कार के मालिक ने अपने आप को एक गैराज का मालिक बताया और आशीष को अपने गैराज पे कार देखने के लिए बुलाया। आशीष ने कार की अच्छी तरह जांच परख की। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आशीष को ये यकीन हो गया कि ये कार बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अब वो जल्द से जल्द इस कार को खरीद लेना चाहता था। कार तो एक नंबर है, पर पूरा पेमेंट मैं कैश में नहीं कर सकता। देख भाई, कैश नहीं तो डील नहीं। अरे कैश की जरूरत है मुझे, इसीलिए इतने सस्ते में बेच रहा हूँ मैं। पर मेरा मन नहीं है कार बेचने का। कुछ लफड़ा तो नहीं ना? कार के पेपर चेक कर ले, अगर लफड़ा लगता है तो मत खरीद, कोई जबरदस्ती नहीं है। वैसे भी और एक कस्टमर है, तुझे पहले कॉल किया था ना, इसलिए उसको होल्ड पे रखा है। मुझे एक दो घंटे का टाइम देना, मैं कैश का अरेंजमेंट करता हूँ। अगर 3 घंटे में नहीं आए तो डील भूल जाना, मैं किसी और को भेज दूंगा। आशीष ने आनन फानन में किसी तरह कैश का बंदोबस्त किया और वो कार खरीद ली। आशीष अपनी बहन स्मिता को सरप्राइज देना चाहता था। हाँ आशीष। हाँ ताई। हाँ जल्दी बालकनी में आ जाओ। बालकनी में? कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में आशीष और स्मिता के माँ बाप की मौत हो गई थी। तब से स्मिता ने ही आशीष को पाल पोस कर बड़ा किया। उस हादसे के बाद आज कई सालों बाद फिर से उनके घर एक कार आई। स्मिता कार देखकर खुश थी और आशीष स्मिता को देखकर खुश हो रहा था। ताई, खाना बना के रखना, मैं अतुल को गाड़ी दिखा क्या। तो ताई, आज इतना मजा है ना, अतुल तो गाड़ी देख के पागल हो गया था और साउंड सिस्टम सुनने के बाद तो नाचने लगा था वो। आज हम दोनों बहुत घूमे। अच्छा आशीष, वो अंकल कौन थे? अंकल? हाँ किधर? अरे वही जो तुम्हारे साथ गाड़ी से उतरे। मेरे साथ कार से उतरे? ताई, कार आने की वजह से पागल वागल तो नहीं हो गई ना? आशीष, मैंने खुद देखा। कुछ भी नहीं,
बच्चा होगा शायद। ताई, ताई, थोड़ा पानी लाना। आशीष, ये देखो तो। अपने घर में किसी अनजान इंसान के पैरों के निशान देखकर आशीष और स्मिता को यह लग रहा था कि घर में कोई चोर आया था। तुम कहीं बाहर गई थी क्या? हाँ, मॉल गई थी सामान लाने। लॉक ठीक से लगाया था ना? आशीष, पता है तुम्हें, मैं दो बार चेक करती हूँ लॉक। दूसरी बात कि मैं, तुम आने से पहले मैंने पोछा लगाया था, तब ये निशान नहीं थे। ठीक है, तुम सामान चेक कर लो, कुछ चोरी तो नहीं हुआ ना? अरे हाँ, आशीष, सब सामान अपनी जगह पे है, कुछ नहीं चोरी हुआ है। आशीष को चिंता भी थी और हैरानी भी, कोई घर के अंदर आया कैसे और किस लिए आया? जब कोई अच्छी चीज़ सस्ते भाव में सेकंड हैंड में कोई बेच रहा हो तो उसके पीछे कोई वजह होती है, और अक्सर ये वजह ऐसी होती है जिसको जानने के बाद में कोई भी शायद उस चीज़ को नहीं खरीदेगा। आशीष को भी ये कार बहुत सस्ते में मिली, उसके पीछे भी एक वजह है। क्या वजह है ये जानने के लिए अगले हफ्ते देखिए मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी फिल्म्स की नई हॉरर फिल्म ब्याज का पैसा पार्ट 2 में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरी पुरानी हॉरर और सस्पेंस थ्रिलर फिल्में ज़रूर देखें। मैं हूं श्याम तलवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अघोरी फिल्म्स।
मिलता हूँ अगली बार इसके पार्ट 2 के साथ।